आज हमारी सेकंड एक्सरसाइज है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर की। क्या है? जनरल टर्म्स इन अ बाइनोमियल थ्योरम। हमने कल बाइनोमियल एक्सपेंशन की थी किसी भी सीरीज के लिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या की थी हमने? देखिए, ये था x प्लस ए होल रेज टू पावर n। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? एन सी जीरो से शुरू होता था, यानी हमारी फर्स्ट टर्म थी एन सी जीरो, हमारी सेकंड टर्म थी एन सी वन, हमारी सेकंड टर्म थर्ड टर्म थी एन सी टू, ठीक है, इनटू समथिंग ये भी है साथ में। ये हमारी इस तरीके से टर्म चल रही हैं। तो हमारी जनरल टर्म आज हम निकालेंगे इनसे। जब हमारी फर्स्ट टर्म थी वो क्या थी? एन सी ज़ीरो, और जो फर्स्ट है एक्स उसकी पावर एन, या फिर कह सकते हैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन एन माइनस जीरो, और सेकंड वाले की पावर जो नीचे है वो, ठीक है, टी टू सेकेंड टर्म थी एन सी वन, तो जो फर्स्ट पोजीशन पर है उसकी आएगी एन माइनस वन इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, और जो सेकेंड पोजीशन पर है उसके आएगा वन जो नीचे वाला है। ऐसे ही हमारी थर्ड टर्म थी, इनमें हमने सिमिलरिटी देख कर हमने टी आर प्लस वनथ टर्म बना दी। जब यहाँ थ्री है तो यहाँ टू है, यहाँ टू है तो यहाँ वन है, तो यानी यहाँ वाला जो सफिक्स है वो यहाँ से एक कम चल रहा है, तो टी आर प्लस वनथ टर्म क्या होगी? एन सी आर। और अगर आपको ये पता लग गया तो फर्स्ट एक्स क्या आएगा? एन माइनस आर, और सेकंड पोजीशन वाले का ए रेज टू पावर आर आएगा। तो ये हमारी जनरल टर्म होगी, आपको ये याद करना है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म ये होगी, जहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन किसकी है? एक्स प्लस ए होल रेज टू पावर एन की, ठीक है। अब हम मिडल टर्म्स की बात करें, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडल टर्म की बात करेंगे। आप ये बताओ, मेरे पास पाँच नंबर है, मान लो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, ठीक है। अगर मेरे पास पाँच नंबर हैं, ओड नंबर हैं, तो इनका मिडल क्या होगा? जब भी मेरे पास ओड संख्या होगी, ओड नंबर्स होंगे, तो दो मिडल क्या होता है? बीच वाला, बिल्कुल दो इधर गए, ये एक मिडल टर्म आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास छः नंबर होते, कोई भी इवन नंबर्स होते, और मैं इक्वल अगर मैं तीन तीन घटाती हूँ तो बीच में कुछ नहीं बचता, अगर मैं दो दो हटाती हूँ तो बीच में दो टर्म्स बचती, उतना ही लेफ्ट में पार्ट छोड़ती हूँ, उतना ही राइट में पार्ट छोड़ती हूँ, जो बीच में आएगा डैट इज़ माई मिडल टर्म। तो जब मेरे पास इवन नंबर्स एन की वैल्यू इवन होगी, तब तो मेरे पास एक, देखो यहाँ टर्म्स कितनी चल रही हैं, जब मैं एक्स प्लस ए होल रेज टू पावर एन की बात करती हूँ, तो टोटल इसमें कितनी टर्म्स आती हैं? एन प्लस वन टर्म आती हैं। टोटल कितनी टर्म आती है? एन प्लस वन। हम एन सी जीरो से शुरू करते हैं और एन सी एन तक जाते हैं, तो किसी भी एक्स प्लस ए होल रेज टू पावर एन की बाइनोमियल एक्सपेंशन में एन प्लस वन टर्म्स आती हैं। और यानी अब अगर मेरा एन ओड होगा तो एन प्लस वन होकर इसमें टर्म्स कितनी आएंगी? इवन। यानी जब एन ओड होगा तो एन प्लस वन इवन होगा, उस केस में मेरी दो मिडल टर्म्स निकलेंगी, और जब मेरा एन इवन है तो एन प्लस वन क्या हो जाएगा? ओड, तो उस केस में एक टर्म निकलेगी। तो हमें मिडल टर्म निकालना है, आपने पूरा पढ़ लेना, हम इस रिजल्ट को करेंगे, आपको इसको याद करना है। जब एन इवन है तो एन प्लस वन ओड हो जाएगा, ठीक है, एन प्लस वन टर्म्स होंगी, और एन प्लस वन टर्म्स में से मिडल टर्म एक होगी, एन प्लस एन बाय टू प्लस वनथ टर्म, ठीक है। लेकिन जब n ओड है तो n प्लस वन क्या हो जाएगा? इवन। तो इसलिए हमारे पास दो टर्म्स मिडल टर्म बनेगी, एक n प्लस वन बाय टू करेंगे, एक n प्लस वन बाय टू प्लस वन करके आएगी, ठीक है, क्लियर। डिटर्मिनेशन ऑफ आ पर्टिकुलर टर्म्स फ्रॉम एंड। अब मुझे टर्म्स पीछे से निकालनी है, टर्म्स क्या करनी है पीछे से? तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है मुझे kth टर्म निकालनी हो, जैसे इसकी मैं पूछूं कि लास्ट से सेकंड टर्म निकालो, मान लो ये है मेरे पास, और लास्ट से सेकंड टर्म निकालो, जब वो हमें कहे लास्ट से सेकंड टर्म निकालो, तो उसका मतलब मुझे स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकालनी है, क्योंकि जनरल टर्म का फॉर्मूला मेरे पास है, मुझे स्टार्टिंग से पता लग जाएगी फोर्थ टर्म निकालनी है, तो वो लास्ट से कौन सी होगी? सेकंड। तो अगर कहा जाए लास्ट से kth टर्म निकालो, तो बिगनिंग से आप कैसी टर्म निकालो? टोटल कितनी टर्म्स हैं? एन प्लस वन माइनस के प्लस वन, यानी एन माइनस के प्लस टूअथ टर्म। ये फॉर्मूला है, सीधा आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जब kth टर्म फ्रॉम द एंड कहा जाए, तो हम एन माइनस के प्लस टूअथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालेंगे। या फिर सेकंड मेथड है, kth टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो हम kth टर्म निकाल देंगे बिगनिंग से, ए प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन की।